नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट विद पीएस परिहार पर। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे। आज एनवायरमेंट की आपकी सेकंड क्लास है और बात करेंगे हम लोग आज पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र पर। सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी कहते किसे हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत सभी जीवों के भौतिक पर्यावरण, सभी जीवों का क्या है, भौतिक पर्यावरण। भौतिक इन द सेंस क्या हो गया, जिस परिवेश में आप निवास करते हैं उस स्थल के परिवेश की, उस पर्यावरण के बीच उनके मध्य अंतर संबंध जो होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में उसका अध्ययन किया जाता है। सपोज दैट यहां पर यह एक ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसे समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे अंतर क्रिया करना है आपको। ग्रामीण क्षेत्र है ये, ठीक है। अब इस ग्रामीण क्षेत्र का एक अपना परिवेश होगा, ठीक है। अब यहां पर यदि आप हैं, ठीक है, आप इस पूरे परिवेश पर क्या कहेंगे, इस पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधी क्या करेंगे, आपके रहने का। यहां पर आप भौतिक पर्यावरण में रह रहे हैं कि इस पर्यावरण में रहेंगे। अब इस पर्यावरण में क्या होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे भी होंगे, गाय भैंसे भी होंगी, ठीक, गाय भैंसे भी होंगी। अब यहां पर आपको यह समझना है, गाय भैंस इन द सेंस जीव जंतु भी होंगे, क्या होंगे, जीव जंतु भी होंगे, जीव जंतु यहां पर होंगे। अब इनके साथ क्या है आपका परस्पर क्या किया जाएगा, अंतर संबंधी, ठीक, कि आपके संबंध इनके साथ कैसे हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। किसका अध्ययन किया जाएगा, आपका इस एनवायरमेंट के साथ कैसा तालमेल बैठता है इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, इसका अध्ययन हम लोग पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि हम चलते हैं तो आता है इकोलॉजी, ठीक है, क्या आता है इकोलॉजी, शब्द का मतलब होता है जो आपके प्रश्न में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, कि इकोलॉजी शब्द का मतलब क्या होता है। तो इकोलॉजी दो शब्दों से बना हुआ है, किलोस और लोगो, इकोस और लोगोस शब्द से बना हुआ है, और इको शब्द का अर्थ क्या है, रहने का स्थान, और लोगोस शब्द का अर्थ क्या है, अध्ययन, अर्थात उस स्थान का अध्ययन का किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, उस स्थान का अध्ययन किया जाता है जहां पर, उस स्थान का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है जहां पर आप निवास करते हैं, किया जाता है जहां, जहां पर हम निवास करते हैं, ठीक, हम निवास करते हैं। अब हम में निवास करते हैं, अब हम में अगर हम बात करते हैं तो हम इन द सेंस वर्ड क्या हो जाएगा कि हमारे रहने का स्थान, उनके मध्य जो अंतर संबंधी क्रियाएं होती हैं उनके साथ जो हमारा व्यवहार होता है, उस परिवेश में रहने का जो नजरिया होता है, जो कार्य करने का तरीका होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम में केवल मानव नहीं होगा, इसमें जीव भी होंगे, ठीक है, मानव भी होगा, ठीक, और इसी में पेड़ पौधे भी आपके होंगे, पेड़ और पौधे भी होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे भी होंगे। तो आपको यहां से समझने वाली बात है कि इसका मतलब क्या हो गया, इकोलॉजी रहने का स्थान जहां पर जीव निवास करता है, वहां पर उस जीव के बीच, उस पर्यावरण में, उस स्थान में जिस तरह की वह अंतर क्रिया करता है तो उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे सपोज दैट
अब एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग समझिए यहां पर कि कैसे। अब यहां पर यदि हम ये कहें कि बाघों के रहने का स्थल कैसा है, बाघों के लिए एक अलग इन्वायरमेंट की, एक अलग पारिस्थितिकी की आवश्यकता होती, यदि उनको वह किसी ऐसे पर्यावरण में, ऐसे क्षेत्र में उनका निवास बना दिया जाए जहां पर उनके निवास के बाद वह अंतर संबंधी क्रियाएं ना कर पाए, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो मतलब भारतीय बाघों की संख्या क्या हो जाएगी, गिरने लगेगी। सेम चीज यदि जहां पर पानी की व्यवस्था ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो वहां पर यदि मानव को छोड़ दिया जाएगा तो मानव क्या होगा, धीरे धीरे उसका सर्वनाश होने लगेगा, उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाएगा। जैसे कि कॉमन से एग्जांपल, यदि आपको मंगल में छोड़ दिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ कि रहने के स्थान के बीच अंतर संबंध का मतलब क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चीज की बात, नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का यूज किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैसले ने 1869 में सर्वप्रथम किस यूज किया था इकोलॉजी वर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इकोसिस्टम की बात या पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं। इकोसिस्टम मतलब होता है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी की तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम यूज वर्ड, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द प्रथम किसने सर्वप्रथम कही थी, तो एजी टांसले ने 1935 में की थी। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने 1935 में किया था। अब यहां पर बात आती है कि जीव मंडल के सभी घटकों के समूह, जीव मंडल के सभी घटकों के समूह की बात कर रहे हैं हम, ना कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब समूह में मैंने अभी आपको बताया था, समूह इन द सेंस मेरा क्या होगा, यहां पर मानव भी हो गया और यहां दानव भी हो जाएगा, मतलब जीव जंतु भी हो जाएंगे आपके, जीव जंतु भी हो जाएंगे, यहां पर आपके पेड़ पौधे भी हो जाएंगे, पेड़ पौधे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक समूह बनेगा। ठीक, पारंपरिक क्रियाओं में सम्मिलित है, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग इंडिविजुअल बात करते हैं, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी पेड़ पौधों की बात करते हैं तो उनका अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जलीय जीवों का अलग पारिस्थितिकी तंत्र होगा। ठीक, जंगल का अलग एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इस तरह से यदि हम लोग देखें तो सबका अपना पर्सनल अलग अलग भी पारिस्थितिकी तंत्र क्रिएट होता है, बनता है, उसके आधार पर ही हम अपने निर्णय लेते हैं, उसी के आधार पर हम अपना विचार करते हैं। ठीक है, अब पारिस्थितिकी की बात करते हैं, पारिस्थितिकी की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पारिस्थितिकी की हम विशेषताओं पर जाएं तो संरचित एवं संगठित तंत्र की बात करते हैं, मतलब कि एक पूरा क्या होता है, वेल मेंटेन और वेल डिजाइन पूरा वर्क होता है। यहां पर यदि हम किसी भी तंत्र में बीच में ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, संगठित और सुसंगठित एवं संरचित भावना यहां पर खत्म हो जाती है। तो यहां पर क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में संरचित और संगठित तंत्र की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधन तंत्र की बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन तंत्र का मतलब क्या है, कि आपके नेचुरल नेचर में जो जो चीजें विद्यमान है, हम उन चीजों का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जलीय जीव, जलीय जीव। ठीक, तो जलीय जीव का अपना एक क्राइटेरिया होता है और वहीं पर वो सरवाइव करते हैं। यदि हम जलीय जीव को कहां निकाल दे, पानी के बाहर निकाल दे, इवन एग्जाम्पल के लिए मछली, आप लोग मछली खाते भी होंगे, बहुत से लोग मछली को यदि पानी के बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है, मछली क्या है, आपका प्राकृतिक संसाधन है। यदि हम समुद्र से मछलियां समाप्त कर दें,
यदि हम समुद्र से मछलियां समाप्त कर दें तो क्या होगा? मछलियां जैसे ही समाप्त होंगी तो आपको पता है हमारा जो तालाब है, हमारा जो समुद्र है, हमारी जो नदियां हैं वो गंदगी से भर जाएंगी, क्योंकि मछलियां क्या करती हैं, छोटे छोटे जीवों को खाकर पानी साफ करती हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का प्रकार की ऊर्जा से संचालित होता है। अब यहां पर ऊर्जा, किस तरह की ऊर्जा की बात कही गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आती। तो जब ऊर्जा की बात आती है तो यहां पर आपको पता होना चाहिए उत्पादक उपभोक्ता और प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं हम लोग। अब जैसे उत्पादक की प्राथमिक उत्पादक कौन होगा, इसको ऊर्जा किससे मिलेगी, सनलाइट से मिलेगी। ठीक, अब इस प्राकृतिक प्रथम उत्पादक को कौन खाएगा, द्वितीय प्रथम उपभोक्ता खाएगा। ठीक, तो ये किसकी बात कर रहा, ऊर्जा से संचालित होती, इसी ऊर्जा के माध्यम से ही आपका पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र वर्क करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि कैसे आपका पारिस्थितिकी तंत्र वर्क करता है। अब दूसरा खुला तंत्र कहा जाता है। अब खुला तंत्र कैसे कहते हैं, होता क्या है कि एक बार यदि कोई शाकाहारी जीव, ठीक, प्राथमिक उपभोक्ता की एक चैन है, उस चैन को तोड़ के यदि कोई बीच में सर्वाहारी जीव आ जाए और मांसाहारी जीव के खाने से पहले ही किसी जीव को खा लेता है, तो ये क्या है, किसी भी तरह से पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम है, कहीं से भी कोई भी समस्या नहीं आती। विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है, बिल्कुल विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। कैसे बांटा जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया, प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, ठीक, सर्वाहारी, ठीक, इस तरह से यदि हम देखें तो विभिन्न आयामों में इसे बांटा जा सकता है। आप देखिए कैसे, अगर उच्च पोषण की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, सर्वाहारी ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सर्वाहारी समूह आ जाएगा। अब सर्वाहारी समूह कैसे आता है, ये चीज को समझिए। देखिए, अभी मैंने बात कही कि प्राथमिक उत्पादक, ठीक, प्राथमिक उत्पादक, अब उत्पादक की बात जब हम करेंगे तो प्राथमिक उत्पादक में कौन होंगे, पेड़ पौधे होंगे, ठीक, घास, मतलब कि जो सनलाइट से भोजन अपना बनाते हैं वो जीव प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। ठीक है, अब सनलाइट ये लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये प्राथमिक उपभोक्ता क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, आपके वायुमंडल से, आपके वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण करते हैं। मतलब अगर कहा जाए ये क्या है, आपकी ग्रीन हाउस गैस है ना, CO2 ग्रीन हाउस गैस को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को ग्रहण करके क्या रिलीज करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं वायुमंडल में, छोड़ते हैं, ठीक, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ऑक्सीजन छोड़ने होता है, अब यहां पर ये देखिए कि वायुमंडल स्वच्छ होता है, वायुमंडल स्वच्छ होता है, एक तो स्वच्छ होता है, स्वच्छ सांस लेने योग्य हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, वायुमंडल में मानव जीवन के सर्वाइवल के लिए बहुत अधिक चीजें, यहीं से प्राथमिक उत्पादक जो होता है वो आपको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करा देता है। दूसरी बात, प्राथमिक उत्पादक को खाने वाला कौन होगा, प्राथमिक उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता होगा, अर्थात कि बकरी हो जाए, क्या हो जाएगी, बकरी, दूसरी बात बकरी के बाद यदि हम कहें खरगोश, ऐसे जीव जो शाकाहारी जीव होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ऐसे जीव जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। नंबर दो, द्वितीय उपभोक्ता की बात करते हैं, ऐसे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उनको हम लोग द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं।
मतलब मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? मांसाहारी जीव। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो तृतीयक उपभोक्ता क्या हो जाएगा? आपका सर्वाहारी ग्रुप आ जाएगा, जो सर्वाहारी या जो सभी चीजें खाता हो। सर्वोच्च पोषण स्तर की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? यह सभी कुछ खाता है। मानो को ये आपको प्राथमिक उत्पाद को भी खा लेगा, इसको भी खा लेगा, इसको भी खा लेगा, मतलब हर चीज यह खाने पर ही डिपेंड होता है। अब जब यह तृतीयक उपभोक्ता तक आता है, उसके बाद यदि कहीं पर भी द्वितीयक उपभोक्ता से हो, प्राथमिक उपभोक्ता से हो या फिर उत्पादक हो, समाप्त होगा तो उसका क्या होने लगता है? अपघटन होता है। किसी भी चीज को जब वो समाप्त होती है तो उसका क्या होता है? अपघटन होता है। जब अपघटन होगा किसी भी वस्तु का, तो आप ये याद रखिएगा कि हमारे शरीर है, जैसे हमारा शरीर है, ये मान लीजिए किसी जीव को आपने रोड के किनारे देखा होगा कि गाय भैंस मर जाती है, कुत्ता मर जाता है, उसे रोड के किनारे लोग छोड़ देते हैं, तो उसके शरीर को छोटे छोटे कीट, जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वायरल कीटाणु होते हैं, वो क्या कहते हैं, उनको खा खा के वो अचानक से जन्म ले लेते हैं वहां पर, और अचानक से उसको खा कर उसको अपघटित कर देते हैं, विभिन्न रूप में तोड़ देते हैं, उसको खाकर समाप्त कर देते हैं, और किस्में निर्मित कर देते हैं। वहां पर देखते होंगे एक मिट्टी का भुरभुरा क्षेत्र निर्मित हो जाता है, तो वहां पर क्या निर्मित हो जाता है? मृदा का निर्माण हो जाता है। जब मृदा का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद फिर से सर्किल क्या चलता है? आपका प्राथमिक उत्पाद की तरफ पुनः सर्किल चलने लगता है। अब दूसरी बात है कि पारिस्थितिकी घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी घटक की बात करें तो अजैविक घटक है और जैविक घटक, दो तरह के पारिस्थितिकी घटक होते हैं। अब यदि अजैविक घटक की बात करें तो भौतिक कारक होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक कारक, तीन तरह के कारक होते हैं, ठीक। अब भौतिक कारक में आप लोगों को पता है भौतिक कारक क्या होंगे, जो कारक आप लोग देखते आए, इस पे देखते चलिए आप लोग, ठीक। तापमान की बात है, ये भौतिक कारक है आप लोगों का, ठीक। तापमान का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर, ठीक है। तो तापमान में आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि टेम्परेचर तापमान का क्या, किसी भी वायुमंडल में या किसी भी स्थल मंडल में या किसी भी जल मंडल में किसी भी कारक के लिए तापमान बहुत अधिक आवश्यक है। आर्द्रता की बात करते हैं, आर्द्रता, आर्द्रता का प्रभाव। प्रकाश की बात करते हैं, प्रकाश के बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। वायुमंडलीय दाब, यदि वायुमंडल का अत्यधिक दाब हो जाएगा तो भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, या वायुमंडल का कम दाब हो जाएगा तो भी सर्वाइव करना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट के बाद बात करते हैं स्थलाकृतियां। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं या मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो यदि हम पर्वत से आएंगे तो हमारे क्लाइमेट में, हमारी चीजों में परिवर्तन होगा। दूसरा, यदि हम मैदानी क्षेत्रों से परिवर्तन स्थलीय क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां पर भी हमारे भौतिक कारकों में अंतर आता है, ठीक है। हमारे भौतिक कारकों में अंतर आता है। निम्न नेक्स्ट की बात करते हैं अकार्बनिक कारक। अकार्बनिक कारक में क्या है? जल जिनमें कार्बन की मात्रा ना हो, ठीक है। तो H2O है, इसमें कार्बन की मात्रा नहीं। वायुमंडल गैसें, वायुमंडल गैसों में क्या है? CO2 को हटा देते हैं यहां पर, ठीक ठीक। वायुमंडल गैसें ये क्या करते हैं? आपके पूरे अकार्बनिक कारक है, मिट्टी अकार्बनिक कारक है, खनिज और चट्टाने, ये सभी क्या है? आपकी अकार्बनिक कारक है। आप लोगों के में इतना ही प्रश्न पूछा जाता है, कौन से कार्बनिक, कौन से कार्बनिक, ठीक है। अब कार्बनिक कारक में कौन है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा, कौन से कार्बनिक है, कौन से कार्बनिक है और कौन से भौतिक कारक है। यहां से प्रश्न 1, 2, 3, 4 लगभग 4 से 5 प्रश्न आप लोगों से पारिस्थितिकी से पूछे जाते हैं। और जैविक घटक की जब हम बात करते हैं तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्पादक और अपघटक की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये चीजों को समझ लीजिए एक बार और अच्छे से कि यदि उत्पादक है कोई वस्तु, ठीक, उत्पादन हुआ है, वो किसके पास जा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता के पास जा रहा है। किसके पास? प्राथमिक उपभोक्ता के पास, उपभोक्ता के
पा, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहां जाएगा, वो द्वितीयक के पास जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता के पास। फिर इसके बाद कहां जाएगा, तृतीयक उपभोक्ता के पास। फिर इसका क्या होगा, यदि इनमें से, अब आपको यहां पर समझना है, अब घटन की बात हम लोग करते हैं जब, तो अब घटन की प्रक्रिया तृतीयक के बाद ही नहीं होगी। ये हो सकता है अब घटन की प्रक्रिया पहले उत्पादन बना और समाप्त हो गया, टूट फूट गया या समाप्त, या किसी ने खा लिया तो वो समाप्त हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता है वो मर गया तो भी उसका अपघटन होगा, द्वितीयक उपभोक्ता है तो भी यह मर गया तो भी इसका अपघटन होगा, तृतीयक है तब भी इसका अपघटन होगा। इसीलिए वर्ड यूज किया गया था कि खुला तंत्र है ये। खुला तंत्र का मतलब क्या होगा कि किसी भी स्थिति में यदि कोई जीव की मृत्यु होती है तब उसका, यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, मृत्यु, ठीक है, मर जाता है, समाप्त हो जाता है, कुछ भी आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। मृत्यु मैं लिख दे रहा हूं, इन चीजों को आप लोग समझ लीजिएगा, कि ऐसे भी आप लोगों को जो दिमाग में आपके आए उससे समझिएगा, ठीक है। इससे क्या हो गया कि उस जीव की मृत्यु हो गई, उसका मृत्यु होने के बाद क्या होता है, उसके शरीर का अपघटन होने लगता है। अपघटन मतलब क्या होता है, तोड़ने लगते हैं। कौन तोड़ने लगते हैं, ठीक, आप ये समझिए कि कौन तोड़ने लगते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव, जीव इन द सेंस जो जीवाणु होंगे, जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, इनको सड़ाने गलाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, सड़ाने गलाने लगते हैं, सड़ाने गलाने लगते हैं, ठीक। जब सड़ाने गलाने लगेंगे, ठीक, तो ये क्या होगा, इसका अपघटन होगा, और अपघटन के बाद इसका निर्माण क्या हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा और पुनः ये चक्र प्रारंभ हो जाएगा, ठीक। ये चीज क्लियर हुई, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास पर, ठीक। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और मेहनत करिए, इस बार सबका सिलेक्शन होगा। ये हम लोगों की, आप लोगों के लिए एक कह लीजिए कि उम्मीद है आप लोगों से, और ये इच्छा है कि इस बार आप सभी लोग छात्र, सभी छात्र सफल होके आए, जिससे हमें भी खुशी मिले। चलिए, थैंक यू।